देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी विभिन्न जगहों पर ध्वजारोहण किया गया। उत्तरकाशी की पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया है। उत्तरकाशी के पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने झंडारोहण किया। इसके साथ ही पुलिस ITBP होमगार्ड PRD समेत परेड की सलामी ली गई। वहीं उत्तरकाशी में पहली बार होमगार्ड महिला एवं PRD जवानों ने पहली बार परेड में हिस्सा लिया। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अपने जनपद वासियों को और गंगोत्री विधानसभा के वासियों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आज पुलिस लाइन में बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहां पर था, परेड भी यहां पर थी। और बहुत लोगों के अंदर मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जहाँ पर भी हैं, हम वास्तव में हर व्यक्ति अगर वास्तव में ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेगा तो हमारा देश विकसित राष्ट्र कहलाए। प्रदेश में प्रथम बार महिलाओं की बढ़ती हुई है और हमारे कमांडेंट जनरल महोदय एवं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एवं शासन की ओर से एक बहुत ही बड़ी पहल की गई है कि पहाड़ों में महिला होमगार्ड्स की भर्ती की जाए। जो सालों से हम लोग इंतजार कर रहे थे वह ये वर्ष 2023 में हमारी ये तपस्या पूरी हुई है कि महिलाओं की बढ़ती हुई है। और हमारे कमांडेंट जनरल श्री केवल खुराना महोदय, उनका यह है कि महिला फर्स्ट, वो हर जगह महिलाओं को, अभी हमारी उनका महिलाओं के नेतृत्व तक अच्छा होना चाहिए कि वो अपने को एक अच्छा गौरवान्वित महसूस करें।